जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मेंटली हेल्थ को लेकर काफ़ी खबरें सामने आई थी, जिसमें ये बात भी पता चली थी कि उनके इलाज कई डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा था। वो अलग अलग डॉक्टरों पर विश्वास जताते थे और उनसे ही अपना इलाज करवाते थे। हमने ये भी खबर सुनी थी किस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनके डिप्रेशन की बात सामने आई। इस मामले में सुशांत का इलाज कर रही थेरेपिस्ट सुसैन वॉकर का बयान सामने आया था। सुसैन का कहना था कि सुशांत को लेकर रिया चक्रवर्ती काफ़ी सपोर्टिव थी। थेरेपिस्ट के सामने आने के बाद सुशांत के जीजा ने काफ़ी सवाल खड़े किए थे। सुशांत के जीजा विशाल कीर्ति अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि सुशांत और रिया सुशेन नवंबर यानी कि दिसंबर 2019 में सलाह लेते थे एक दूसरे से। सुशांत के साथ संबंधों पर विशाल ने लिखा है कि मैं उसे 8वीं क्लास से जानता हूँ, 1997 से लेकर उसकी बहन कीर्ति से शादी तक से जानता हूँ। वो और मैं एक ही स्कूल में थे, मैं और श्वेता एक ही क्लास में थे जबकि वो एक क्लास छोटा था। विशाल ने सुशेन पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह 2 महीनों से भी कम समय में उसके इलाज कर रही थी। विशाल ने कहा कि मानसिक बीमारी का इलाज एक कठिन काम होता है, जिसमें सामने वाले की पूरे बिहेवियर को अच्छे से पढ़कर समझकर और ऑब्जर्व करके एक निर्णय पर निकला जाता है। लेकिन सुशांत के जीजा विशाल ने सीधा ही सवाल खड़ा कर दिया कि 2 महीने की जांच के अंदर उन्होंने ये बात कैसे तय कर ली कि सुशांत सिंह राजपूत इतने गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और रिया चक्रवर्ती उन्हें सपोर्ट करती थी। आपको व्यक्ति को बहुत बारीकी से इलाज करना पड़ता है और लंबे समय तक देखना होता है। सुशेन 2 महीने से कम से काम कर रही थी। लेकिन दोस्तों, ये बात जब सुशांत सिंह के जीजा ने कही थी तो उनके सपोर्ट में काफ़ी लोग सामने आए थे और उन सभी ने सुशेन जो डॉक्टर थी उनको फटकार लगाई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में कोई भी व्यक्ति ऐसा सामने आए जो सुशांत सिंह के खिलाफ गवाही देता नजर आए, भले से ही वो सच हो या झूठी। लेकिन ये बयान तो साफ लग रहा था कि झूठ के सहारे ही बोला गया हो। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।